इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। आप यहाँ देखेंगे मैंने फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो जितने भी फॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो ओपन होकर आ चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ पर एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ फॉर्म नंबर 6 को फिलअप करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां अलग अलग टैब दी गई हैं। सारे टैब के अंदर जाकर आपको सारी डिटेल्स को फिलअप करना है और सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहां पर कैप्चा को फिलअप करना है और उसके बाद आपको यहां फॉर्म के अंदर जाकर सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना है तो आप यहाँ फॉर्म 6B की मदद से अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करते हैं। इसी के साथ अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ करेक्शन करना है या उसे शिफ्ट करना है किसी और लोकेशन पर या फिर उसका रिप्लेसमेंट करना है तो ये सारी चीजें आप यहाँ फॉर्म 8 की मदद से कर सकते हैं। आप जब फॉर्म नंबर 8 पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप अपने यानी कि खुद के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं या आप किसी और के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप किसी फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ अदर इलेक्टो के ऑप्शन को चूज करेंगे और अगर आप खुद के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं तो सेल्फ के ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर फिलअप करना है और सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड को किसी और लोकेशन या किसी और रेसिडेंस पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर आप वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड का रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिसेबिलिटी का, यानी कि अगर किसी इलेक्टर को डिसेबिलिटी हो चुकी है तो आप यहाँ पर उसे अपडेट करा सकते हैं। उसके बाद ओके कर देना है और उसके बाद आगे का जो फॉर्म है प्रोसीजर है उसे आपको फिलअप कर देना है और सबमिट कर देना है। इसी के साथ आप यहां पर देख सकते हैं पोर्टल पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर की मदद से अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिटेल्स के ऑप्शन को चूज करके अपनी डिटेल्स फिलअप करके डिटेल्स की मदद से अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की मदद से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी मदद से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इस नए पोर्टल का यूज करके एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर एज अ ओवरसीज इलेक्टर यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड को डिलीट करवाना है तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई करेक्शन करना है, शिफ्टिंग करनी है, रिप्लेसमेंट करना है तो वो चीजें भी आप यहां से कर सकते हैं। तो ये थी इस नए पोर्टल की पूरी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नए पोर्टल के बारे में जान पाएं और इसका फायदा उठा पाएं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएं। थैंक यू।